ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। ये है कि हमारे सारे प्रशासन के लोग और हमारे जो लोक प्रतिनिधि हैं वो लोग मिल करके काम कर रहे हैं। उम्मीद है 2-4 घंटे के अंदर अंदर सारे लोगों को बचा लिया जाए। कल हुए रेस्क्यू ऑपरेशन, सब आए, माननीय आयुक्त सो भी आए, सन्मान्य नगर सेवक के साथ में सब टीम वर्क। जो पानी भर रहा है, पानी अभी इससे ऊपर से भी पानी आ रहा है, भर्ती का टाइम है अभी। मुझे लगता है कि पहली 2005 के बाद सेकंड टाइम ये हादसा हो रहा है। खुलने की खबर आई है, हाँ। उसकी वजह से इस इलाके में ये लो लाइन एरिया है, यहाँ पे पानी ज्यादा बड़े पैमाने पे जमा हुआ है। एरियाज बाकी है कि जहाँ इवैक्यूएशन बाकी है, अदरवाइज 80% पूरा इवैक्यूएशन हो गया लोगों का। नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी। डूब गई दीवा। अगर आप मुंबई में रहते हैं ये खबर दिल थाम कर देखिए। अगर आप मुंबई में नहीं रहते हैं तो भी ना देखने का जोखिम मत उठाइए, क्योंकि मुंबई में जो होने वाला है उसका असर आप पर भी होगा। मुंबई के दीवा में पूरी दीवा डूब गया है। दीवा के हर इलाके में पानी पानी है, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। 10,000 से ज्यादा दीवा के चालियां डूब गई हैं। दीवा के चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। दीवावासी काफी परेशान है, काफी सदमे में है। आखिर घर में रखे कीमती सामान किसके भरोसे छोड़ें, लेके जाए तो कहां जाएं, अपनी जान बचाएं कि कीमती सामान को बचाएं। मजबूरन घर से बाहर निकलना पड़ा है राम भरोसे पर छोड़कर। आप देख सकते हैं दीवा में पानी का सैलाब, पूरा दीवा लबालब भरा हुआ है। कोई ये नहीं कह सकता है कि 26 जुलाई का बाढ़ नहीं आया है। इंसान तो इंसान, जानवर भी परेशान है। इंसान को तो छुपने का जगह कहीं ना कहीं मिल जाएगी, लेकिन जानवर को छुपने की जगह कहाँ मिलेगी। लोग कैसे भगदड़ मचाए हैं, आप देखें इस तस्वीर में। आपने अपने घरों को मजबूरन छोड़ के स्कूलों में जा रहे हैं। ठाणे महानगर पालिका की तरफ से पूरा सहयोग किया जा रहा है। फिलहाल झोपड़ों में रहने वाले, चालियों में रहने वाले, उनको ऊंची ऊंची इमारतों में, इमारतों के टेरिस पर शिफ्ट किया जा रहा है। और कुछ लोगों को स्कूल में भी शिफ्ट किया गया है। और अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी पानी के बीच और अपने घरों में फंसे हुए हैं। ठाणे महानगर पालिका बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यहाँ पर कई टीम तैनात हैं। ठाणे महानगर पालिका के कमिश्नर लगातार बने हुए हैं अपने अधिकारियों के संपर्क में, हर तरह के मदद के लिए दीवावासियों को करने के लिए तैयार हैं। अधिकारी अपनी जान की परवाह ना करते हुए फंसे हुए लोगों को बोट के जरिए तो नाव के जरिए निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाहर निकालने की पूरी प्रयास जारी है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कई इलाकों में जो है नाव से जो है जो निकाला जा रहा है, जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है। कई लोग तो ऐसे हैं अपने कीमती सामान को छोड़कर घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, वो डूबने को तैयार हैं। लेकिन फिलहाल ठाणे महानगर पालिका उन्हें जबरदस्ती उन्हें निकाल रही है, उन्हें एक स्कूल में शिफ्ट किया जा रहा है। जैसा कि हमने बताया कि कुछ लोगों को टेरिस पर, जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं जिनमें टेरिस है, उन्हें वहां पर शिफ्ट किया जा रहा है। हालात दीवा की काफी गंभीर है और स्थानीय प्रतिनिधि व ठाणे महानगर पालिका की टीम जुटी हुई है, बचाव कार्य जारी है। आमदार सुभाष भोईर और हीरा पाटिल जो नगर सेवक हैं, उप महापौर मड़वी शिवसेना से हैं राजू अंसारी, आदिल खान आजमी समाजवादी से, कई नगर सेवकों वहां पर उपस्थित हैं। बचाव कार्य जारी है। दीवा के कई ऐसे नगर सेवक हैं जो समाज सेवक जुटे हुए हैं इस बचाव कार्य में। यही नहीं, अधिकारियों की अगर हम बात करें, डिप्टी कमिश्नर
मनीष जोशी दीवा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त जगताप जो है वहां पर तैनात है अपने अधिकारियों को लेकर, कई टीमें लगी हुई हैं, बचाव कार्य जारी है। हम आपको बता दें किस तरह का बचाव कार्य किया जा रहा है, अधिकारी से लेकर स्थानीय प्रतिनिधि तक लोगों का क्या कहना है, सुनिए। तो दीवा में डीजे कॉम्प्लेक्स एरिया है, सालवी नगर एरिया है, बीआर नगर एरिया है, और जो बाजू का वार्ड है वक्रतुंड नगर ओमकार नगर, ये सब एरिया में अभी बहुत जल्द तरीके से पानी भर रहा है। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आह्वान करें कि जल्दी से घर से बाहर निकले और उनको सुरक्षित स्थल में पहुंचाने का काम। साहब आज जो है दीवा में जो है पानी भर गया है, लोगों के घरों में घुस गया है, लोग बाहर निकल रहे, किस तरह से आप लोग उनकी मदद कर रहे हैं? क्या सुबह से ही सभी कॉरपोरेशन की पूरी टीम लगी है, एनडीआरएफ लगी है, कॉरपोरेटर सब लगे, आम आदमी सब लगे हुए, पूरा दादीली से लेके साबा तक सभी लोगों ने इसमें अपना जवाबदारी लिए और सब आम सभी आदमी को अपने सही जगह पे सुरक्षित जगह पे लेने का काम उन्होंने किया है। मुझे लगता है पहली 2005 के बाद सेकंड टाइम ये हादसा हो रहा है। उनको लेके आ रहे, बोट में लेके आ रहे, सभी लोगों का इंतजाम चालू है, महानगर पालिका की तरफ से कमिश्नर भी इसके ऊपर देख रेख कर रहे हैं। जसवाल साहब से मेरी बातचीत हो रही है। तो बारहवीं टाइम पूरा ओवर फ्लो हो गया है, दरवाजा खुला किया है और बारिश ऊपर से बारिश, अभी अटैक भी है और सब लोगों का वहाँ पे तीन तीन चार चार फुट पानी भरा हुआ है। तो बारहवीं टाइम पूरा ओवर फ्लो हो गया है, दरवाजा खुला किया है और बारिश ऊपर से बारिश, अभी अटैक भी है और सब लोगों का वहाँ पे तीन तीन चार चार फुट पानी भरा हुआ है। लोगों को कुछ जानलेवा नुकसान ना हो इसके लिए सबको बाहर निकालने का काम यहाँ पे चालू हुआ है। जितना भी लो लाइंग एरिया है अपना दीवा का, तो वहाँ सुबह से उपमहापौर रमाकांत मड़वी साहब है ना, और हमारे सहायक आयुक्त और हम सब पूरी टीम हम लोगों को इवैक्यूएट कर रहे हैं। कुछ एरियाज बाकी है कि जहाँ इवैक्यूएशन बाकी है, अदरवाइज 80% पूरा इवैक्यूएशन हो गया लोगों का, और सारे लोगों को हमने जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं उधर लोगों को हमने भेज दिया है, लोगों को स्कूल में भी हमने भेज दिया है। अभी सिर्फ आप देख रहे हैं यहाँ का जो कुछ इलाका है वहाँ थोड़ा सा लोग फंसे पड़े हैं, तो वहाँ के लिए अभी हम बोट भेज रहे हैं। इन ऑल दीवा शहर में घबराहट बिल्कुल नहीं है, लेकिन परिस्थिति गंभीर है, लेकिन प्रशासन का और सारे लोक प्रतिनिधि का पूरा इस चीज पे नियंत्रण है। बड़ी सुई है उसका असर तो है, लेकिन उल्लास के परिसर में वहाँ पे बड़े पैमाने में बारिश हुई है और डैम के दरवाजे खुलने की खबर आई है। उसकी वजह से इस इलाके में ये लो लाइन एरिया है, यहाँ पे पानी ज़्यादा बड़े पैमाने पे जमा हुआ है, लेकिन यहाँ के पब्लिक को हम लोग रेस्क्यू टीम के सहारे से बाहर निकाले हैं। तकरीबन 70 से 80% पब्लिक को हम लोग रेस्क्यू बाहर करके बाहर लो लाइन एरिया से बाहर निकाला है और उनको स्कूलों में शिफ्ट किया गया है। आपने सुना, एक तो बारिश का कहर, दूसरा भारवी डैम को खोल दिया गया है जिसको लेकर पूरा दीवा पानी से लबालब भरा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, जारी है और भी पानी भर सकता है। सिर्फ दीवा ही नहीं, बदलापुर, कल्याण, इन इलाकों में पानी से कई हजार झोपड़े डूब गए हैं और दीवा में लगभग 10,000 के अधिक जो है झोपड़े डूब गए हैं, लेकिन दीवा की स्थिति काफ़ी गंभीर बताई जा रही है, काफ़ी गंभीर बनी हुई है। अगर पानी का बहाव कम नहीं हुआ तो मुमरा के खाड़ी के तरफ रहने वाले लोगों का भी घर डूब जाएगा। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।